हेलो फ्रेंड्स, आज किस लेक्चर है मैं आपके साथ शेयरिंग करने वाला हूँ बीकॉम सेम थ्री इकोनॉमिक सब्जेक्ट की मोस्ट आईएमपी थ्योरी, जो कि आपकी एग्जाम होने वाली है नवंबर 2022 के अंदर और आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। बट उससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स के बीच में शेयरिंग कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की। सो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर टोटल ज्यादा एमपी नहीं दे रहा हूँ, बहुत ही मिनिमम आईएमपी है। इतने क्वेश्चंस आपको रेडी करना है जिससे आप एग्जाम में कम टाइम में डेफिनेटली एक अच्छा सा रिजल्ट लाने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन आपको रेडी करना चाहिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर, डिस्कस कॉम्पिटेटिव पोस्ट एडवेंचर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और गुजराती में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार न तुलनात्मक खर्च लाभ न सिद्धांतों की चर्चा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और यहाँ पे जो मैं आपके साथ में आईएमपी क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर को ध्यान में रखते हुए ये मैंने आईएमपी क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेटल किए हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा रेडी करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, वट इज फ्री ट्रेड, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। गुजराती में कहेंगे मुक्त व्यापार नीति एटले शू, मुक्त व्यापार नीति ना फायदाओ अने गैरफायदाओ जणाओ। आई होप यहाँ पे आपने दोनों क्वेश्चन समझ लिए होंगे, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको रेडी करना है, एक्सप्लेन द परचेजिंग पावर पार्टी थियरी ऑफ एक्सचेंज रेट विथ लिमिटेशन, जिसे हम गुजराती में कहेंगे विनिमय दर नो सम खरीद शक्ति नो सिद्धांत मर्यादाओं साथ ही समझाओ। आई होप यहाँ पे तीनों की तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे साथ में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा रेडी करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ही कम क्वेश्चन में आपको आईएमपी के रूप में दे रहा हूँ, बट इसमें से कुछ कम मत कर दीजिएगा। एटलीस्ट आपको इतने क्वेश्चन तो रीड करने ही करने, अगर आप इतने क्वेश्चन भी रीड करके जाएंगे बाई चांस कोई क्वेश्चन बाहर का भी आ जाता है तो भी आपके पास नॉर्मली इतने सारे वर्ड्स आ चुके होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो भी आप उसे लिख सकते। इसलिए मैं कहूंगा ये पांचों के पांच क्वेश्चन तो आपको रेडी करने ही करने। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपको रेडी करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टिंग द इन्फेंट इंडस्ट्री। गुजराती में कहेंगे संरक्षण की तरफेर में बाल उद्योग लक्षी दलीलों समझाओ। आई होप यहां तक समझ गए। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही कम क्वेश्चन दिए, इसमें से कम मत कीजिएगा, इतने क्वेश्चन तो आपको रेडी करना है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको रेडी करना है, आप लास्ट ईयर के पेपर भी सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने और भी कोई क्वेश्चन रेडी किया तो उन्हें भी रिविजन कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो कोई रीजन की वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या फिर उनकी रेगुलर स्टडी नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज अगर आपने इतने क्वेश्चंस भी रेडी कर दिए ना तो आप काम के साथ में स्टडी भी कर सकते हैं और एग्जाम में एक अच्छा सा रिजल्ट ला सकते हैं। सो कम टाइम में अगर आपको अच्छी से तैयारी करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। इन क्वेश्चंस को भी आप रेडी करोगे तो भी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाने वाले हैं। एंड रेडी करना है आपको क्वेश्चन नंबर 5, एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, डिस्कस मार्शल एजवर्थ थियरी ऑफ ओफर कर्व विद डायग्राम। गुजराती में कहेंगे मार्शल एजवर्थ नो दरखास्त रेखा नो सिद्धांत आकृति शाखे चर्चा करो। आई होप यहाँ पे आपने पांचों के पांच क्वेश्चन समझ लिए होंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, इतने क्वेश्चंस भी आप रेडी करेंगे तो पासिंग मार्क्स के साथ साथ में आप अच्छा सा स्कोर ला सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।